तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं 10th का जो हिंदी का एग्जाम होगा तो मैं उसमें राइटर नेम लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो लाल रंग में अगर सब्सक्राइब दिख रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊंगा बिहार बोर्ड से संबंधित, बिहार बोर्ड से न्यूज़, छोटी बड़ी न्यूज़ मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। तो इसका जो हो जाएगा जाति प्रथा श्रम विभाजन के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और 20 के दांत यानी 20 के दांत कौन लिखे हैं तो नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखें, तो भारत से जो क्या सीखें इसका हो जाएगा मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें तो मैक्स मूलर। आपको बेहतरीन ढंग से याद कर लेना क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा उसमें बोर्ड में कम मिनिमम 7 मार्क्स 8 मार्क्स का VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी ऑब्जेक्टिव से बुक राइटर नेम से दे दिया जाता है। तो आपको याद करके जाना है और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसमें और कुछ मैं बताऊंगा वीडियो में, कर्ता का कितने कारक है, भेद है, संज्ञा सर्वनाम, इन सब के बारे में मैं बताऊँगा तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इसमें कहते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो जो नाखून बढ़ते हैं तो कौन लिखे हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, यानी नागरी लिपि जो लिखे हैं गुणाकर मूल्य लिखे हैं। बहादुर, तो बहादुर जो लिखे हैं अमरकांत लिखे हैं, बहादुर अमरकांत लिखे हैं। तो चलिए परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, तो जो इसका हो जाएगा जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो बिरजू महाराज। आपको एकदम बेहतरीन ढंग से याद कर लेना है, आपको ऑब्जेक्टिव को सिर्फ दिमाग में रखना है। और वहाँ अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा तो आपको जरूर है कि एक भी अगर राइटर नेम से आपको आया क्वेश्चन तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज, अवायवियो अशोक वाजपेयी, अवायवियो को जो हो जाएगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा। मछली विनोद कुमार शुक्ल, नवेद खाना की इबादत यतींत मिश्रा हो जाएगा आपका। शिक्षा और संस्कृति, जो शिक्षा और संस्कृति लिखे हैं वो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी, जो स्वदेशी लिखे हैं वो बद्री नारायण चौधरी लिखे हैं। तो भारत माता ग्राम विवासिनी सुमित्रा पंतन द्वारा लिखा गया है। ये सुमित्रा पंतन हो जाएगा भारत माता ग्राम विवासिनी। जनतंत्र का जन्म रामधार सिंह दिनांकर हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म जो हो जाएगा रामसाहत सिंह दिनांकर हो जाएगा। हीरो सीमा हो जाएगा सचिनंद हीरानंद बाईवी हो जाएगा। एक वृक्ष की हिमा, तो ये जो कुंवर नारायण हो जाएगा। हमारी नींद ब्रेन डोवाल हो जाएगा आपका। अक्षर का ज्ञान अनामिका हो जाएगा। अक्षर का ज्ञान जो अनामिका लौट कर फिर आ गया। जीवनदास हो जाएगा आपको। मेरे बिना तुम कहाँ प्रभु रेनर मारिया सिल्के हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर से रिवाइज आप लोगों को करवा देता हूँ, आपको एकदम बेहतरीन ढंग से याद कर लेना। भारत जाति प्रथा और श्रम विभाजन किसने किए हैं, तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो किए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए हैं। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे तो मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी किए हैं। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य बहादुर अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा किए हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज किए हैं। अवायवियो अशोक वाजपेयी किए हैं। मछली विनोद कुमार शुक्ल किए हैं। नवेद खाना की इबादत यतींद्र मिश्रा किए हैं। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के। स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी किए हैं। भारत सुमित्रा पंथन किए। जनतंत्र का जन्म रामधीन सिंह दिनांकर किए हैं। हीरो सीमा सचिनंदर हीरानंदन वाजपेयी किए हैं। तो इसका एक वृक्ष का है कुंवर नारायण किए हैं। हमारी नींद बिरने डगवाल किए हैं। अक्षर का ज्ञान अनामिका किए हैं। लौटकर फिर आऊंगा जीवनदास किए हैं। और मेरे बिना तुम कहाँ पर वो रेनर मार्का सिल्के किए हैं। तो बेहतरीन ढंग से आप लोगों को याद हो गया होगा आपका जो भी अब राइटर नेम से जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो उससे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें भी पूछ दिया जाता है कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों पर भी आपको एक नज़र आप देख लेना है, देख लीजिएगा एक नज़र। तो आपको एग्जाम से पहले इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखेगा तो आपको मिनिमम 10 मार्क्स का इस वीडियो से जरूर 100% मिलेगा आपको, मैं कह रहा हूँ। तो देख लीजिएगा वीडियो को। इसमें बोला गया कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी वर्ण के जो भेद होते हैं 2 होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं।
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। काल का कितने भेद होते हैं? 5 होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक का जो होता है 6 भेद होता है। तो चलिए इसी तरह से संधि का कितने भेद होता है? तो संधि का 3 भेद होता है। तो इसी तरह से आप लोगों को देख लेना और बेहतरीन ढंग से वहाँ एग्जाम में आपको लिख कर आना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।